ना नेक्स्ट प्रोग्राम इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में टेस्ट करेंगे, रन टाइम पर एंटर कराएंगे सम इंटीजर नंबर एज ए न्यूमेरिक डे। इस इंटीजर नंबर को कंसीडर करेंगे एज ए न्यूमेरिक डे, यानी इसे इंटीजर नंबर के रिस्पेक्ट में चेक करें गिवन डे इज वैलिड वीक डे और नॉट। वीक डे के रिस्पेक्ट में वैलिड वीक डे क्या होंगे, संडे इज रिप्रेजेंटेड बाई 1, मंडे इज रिप्रेजेंटेड बाई 2, ट्यूजडे रिप्रेजेंटेड बाई 3 एंड फाइनली सैटरडे इज रिप्रेजेंटेड बाई 7। दीज आर वैलिड न्यूमेरिक वीक डे। इसके साथ मिनिमम रेंज क्या है 1 और मैक्सिमम रेंज क्या है 7। देन इस टाइप के इनपुट्स को रीड करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा सम वेरिएबल, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल्स। वी आर डिक्लेयरिंग हेयर सम इंटीजर वेरिएबल एज मे बी नंबर और मे बी डे, सम रीडेबल नेम्स। नेक्स्ट वन डे के लिए कीबोर्ड से डेटा रीड कराने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शंस। स्कैनएफ फंक्शन से जस्ट पहले प्रोवाइड करेंगे सम मैसेज और गाइडलाइन टू द यूजर, एंटर वीक डे, एंटर वीक डे। वीक डे के केस में वैलिड रेंज क्या है 1 to 7 लाइक दैट। नेक्स्ट वन, लेकिन रियल डेटा रीड किससे कराएंगे, यूजिंग स्कैनएफ फंक्शंस। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके डे के लिए वैल्यू रीड कराएं यूजिंग एड्रेस एट डे लाइक दैट। नेक्स्ट में फाइनली लॉजिक्स क्या होंगे, इसके इसमें अगेन अप्लाई क्या करना, लॉजिक्स फॉर मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज। अगर गिवन डे का वैल्यू या तो 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है, चेक क्या करें, इफ डे ग्रेटर देन 1 और इक्वल्स टू 1। अगर डे का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के इक्वलेंट है, देन आप टेस्ट क्या करेंगे, इसे दिस इज द लॉजिक फॉर मिनिमम कंडीशन। अगर मिनिमम कंडीशन ट्रू है देन टेस्ट क्या हुआ, सेकेंड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम। देन अदर कंडीशन क्या होना चाहिए, डे शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 7। अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन इस केस में डिस्प्ले कराएं इफ प्रिंट एफ इनसाइड बॉडी ऑफ इफ मैसेज एज वैलिड वीक डे, मीन्स एंटर डे इज वैलिड वीक डे। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, एंड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट क्या हुआ, फॉल्स के अकॉर्डिंग एल्स पार्ट, देन एल्स ब्लॉक में डिस्प्ले कराएंगे सम अनदर मैसेज लाइक अ प्रिंट एफ इनवैलिड वीक डे और सम यूजर मैसेज लाइक दैट। दिस इज द लॉजिक्स फॉर चेकिंग गिवन डे इज वैलिड वीक डे और नॉट। कुछ इनपुट डेटा टेस्ट करें लाइक है इनपुट 1, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या करें सम इनपुट एंड रिस्पेक्टेड आउटपुट, आउटपुट ऑन द मॉनिटर। फर्स्ट टाइम इनपुट्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू किसके लिए एंटर करना, वेरिएबल कॉल्ड एज डे। फर्स्ट टाइम सपोज दैट डे के लिए वैल्यू एंटर किया मैंने समथिंग 5। 5 कैसा डे है, 5 इज अ वैलिड वीक डे बिकॉज 5 इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ सबसे पहले रीड क्या करें, एंटर वीक डे देन नंबर एंटर किया समथिंग 5, देन डे का वैल्यू क्या है समथिंग 5। अगर डे वैल्यू 5 है उसके अकॉर्डिंग इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग डे के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ डे, और डे का वैल्यू क्या है 5, मीन्स 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। देन आप टेस्ट करें सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डे के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ डे विच इज 5 लेस देन इक्वल्स टू 7, मीन्स फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड से छोटा है, अगेन सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है। एंड एक्सप्रेशन का लॉजिकल बिहेवियर क्या था, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू देन ओवरऑल रिजल्ट क्या है इसका ट्रू, देन फाइनल रिजल्ट भी करेक्ट हुआ ऑल्सो ट्रू, देन इसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन किसका हुआ बॉडी ऑफ इफ, इफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो जाएगा आउटपुट मैसेज एज वैलिड। सिमिलरली एक और अदर केस टेस्ट करते हैं लाइक सपोज दैट अगर रन टाइम पर वीक डे एंटर किया लाइक -2 और समथिंग 9, -2 के रिस्पेक्ट में अगेन कंडीशन क्या टेस्ट होगा, डे के प्लेस पर पुट क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या था डे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और डे का वैल्यू अगर 2 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। अब सेकेंड कंडीशन क्या था एंड में, डे लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी
इस केस में डी का वैल्यू कंसीडर किया जाए माइनस टू, देन कंपेरिजन क्या होगा माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। फर्स्ट कंडीशन कैसा करंट केस में फॉल्स, और फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है। देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट करने की नीड ही नहीं, जबकि सेकेंड कंडीशन क्या था डी लेस देन इक्वल्स टू सेवन, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ। देन इस केस में क्या आएगा बॉडी ऑफ एल्स, इसके अकॉर्डिंग मैसेज क्या प्रिंट हुआ एज इनवैलिड वीक डे। सेम एज वन मोर केस, सपोज दैट अगर डे वैल्यू एंटर किया समथिंग नाइन, डे वैल्यू इज एंटर्ड एज नाइन, नाइन के अकॉर्डिंग मैसेज क्या आएगा अगेन कंडीशन टेस्टिंग। कंडीशन क्या है इसमें डे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड डे लेस देन इक्वल्स टू सेवन, लाइक दैट। डे के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू एज नाइन। फर्स्ट केस नाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, कंडीशन इज ट्रू। अब एंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कंडीशन ट्रू देन टेस्ट क्या, और सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में डे के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ डे एज नाइन, नाइन लेस देन इक्वल्स टू सेवन, इस फर्स्ट कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकेंड कंडीशन फॉल्स है। और एंड का लॉजिकल बिहेवियर क्या रहता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है देन रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स, फॉल्स है देन चांस किस को मिलेगा एल्स ब्लॉक। अगेन नाइन के अकॉर्डिंग मैसेज क्या डिस्प्ले होगा आउटपुट में एज अ इनवैलिड वीक डे समथिंग, लाइक दैट। दिस इज द लॉजिक्स फॉर टेस्टिंग गिवन डे इज वैलिड वीक डे और नॉट, लाइक दैट। देन फाइनल लॉजिक क्या था इसका, डे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। सेम है अगर न्यूमेरिक मंथ डे के रिस्पेक्ट में बात करें, मंथ डे भी टेस्ट करना पॉसिबल हो सेम लॉजिक्स के बेसिस पर। मंथ डे के केसेस में नॉट अ मंथ वैलिड मंथ्स, न्यूमेरिक मंथ्स, न्यूमेरिक मंथ्स क्या है वन टू थ्री अप टू ट्वेल्व, इस केस में मिनिमम रेंज क्या है वन और मैक्सिमम रेंज क्या है ट्वेल्व। देन इस केस में कंडीशन मिनिमम रेंज अभी भी कैसा सेम, लेकिन मैक्सिमम रेंज क्या है इस केस में 12। इस सेम लॉजिक किसके लिए वर्क करेगा वैलिड न्यूमेरिक मंथ और नॉट, लाइक दैट। करेंटली वीक डे के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या डे लेस देन इक्वल्स टू सेवन।